नमस्ते ओम शांति। आप सभी श्रोताओं को स्वागत है आपके ही चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सी द सोल द ट्रुथ लाइज विद इन। और इस चैनल में बाकी वीडियोस को देखने के लिए एक प्लेलिस्ट बना दी गई है आप सब लोगों के लिए। आप जाकर के नीचे जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन है, उसमें जाकर के यूट्यूब का लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर के आप वीडियोज़ के साइड में प्लेलिस्ट में जाएँ, जहाँ पर जाकर के आपको डिप्रेशन, योगासन्स, चेयर एक्सरसाइजेस, डाइट प्लान्स, सोने की कला और रिलेशनशिप्स और बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं उन सबको। और कोई अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो अपने साथी संबंधियों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। तो देखें आज के 241वें दिन के ईश्वरीय वरदान में परमपिता परमात्मा हमें कहते क्या हैं और चाहते क्या हैं, हम क्या इम्प्रूवमेंट करें अपने जीवन में। बाबा कहते हैं, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले, हमने जैसे देखा है गोवर्धन पर्वत को उठाया गया था एक उंगली से, लेकिन उसके बाद में जाकर के परमपिता परमात्मा के साथ में बाकी आत्माएं भी इन्वॉल्व हो गई थी, जो कि हेल्प कर रही थी उस पर्वत को उठाने के लिए। अब ये पर्वत है कलयुगी पर्वत, दुखों का पर्वत। वहाँ पर सिर्फ बारिश दिखाई गई थी, फ्लड आया था, लेकिन ये है दुखों का पर्वत जिससे परमपिता परमात्मा हमें बचाने के लिए आए हैं। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम सब उंगली दें। उंगली क्या है वो हम समझेंगे यहाँ पर, क्या है किस प्रकार से हम उंगली मतलब सहयोग दें इसमें। बाबा कहते हैं, विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य में अपनी उंगली देने वाले महान सो निर्माण भवा। निर्माण मतलब हम्बल, नम्रता। तो जैसे कोई स्थूल चीज बनाते हैं तो उसमें सब चीजें डालते हैं, है ना। अगर आप हलवा बनाएंगे तो उसमें आप चीनी थोड़ी सी डालेंगे चुटकी भर, और सामने आप उसमें चुटकी भर नमक डालेंगे और चीनी डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पता हैं, आपको उसका मेजरमेंट पता है हर चीज़ का। कोई भी चीज़ ज़्यादा कम हो जाए तो क्या होगा, उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा, राइट। वो पूरा नहीं खाया जाएगा, उसको संपूर्ण नहीं खाया जाएगा। तो जैसे कोई स्थूल चीज़ बनाते हैं तो उसमें सब चीज़ें डालते हैं। कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज़ भी खाने योग्य नहीं बन सकती। हलवा सिर्फ नाम का रह जाएगा वो, तो उसको बढ़िया नहीं खाया जाएगा। फिर बाबा कहते हैं, ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। आपको भी परमात्मा रत्न कह रहे हैं, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसको इस्तेमाल करके, जो कि दी है परमात्मा ने, उसको आप इस्तेमाल करके आप परमात्मा के इस महान कार्य में, जिसमें कि परमात्मा कलयुग को सतयुग, नर्क को स्वर्ग, आयरन एज को गोल्डन एज में परिवर्तन करने के लिए आए हुए हैं। तो परमात्मा कहते हैं, मैं उसका ज्ञान देता हूँ तुम्हें करना कैसे है। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के इस श्रेष्ठ कार्य के लिए हर एक रत्न की आवश्यकता है। तो आप भी वो एक चीनी और एक नमक है उस हलवे में, या तो आप आटा भी हो सकते हैं ना। तो परमात्मा कहते हैं, सबकी उंगली चाहिए, सब अपनी अपनी रीति से बहुत बहुत आवश्यक श्रेष्ठ महारथी हैं। इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो, अपनी वैल्यू को जानो कि आप इतने ऊंचे कार्य के लिए आपको यूज कर रहे हैं परमपिता परमात्मा। कोई साधारण कार्य नहीं है। हाँ, लोग पहचानेंगे नहीं आपको, आपका अगर आप कहीं पर, जैसे ये यूट्यूब चैनल है, बहुत कम लोग आकर के इसको सुनेंगे, क्योंकि लोगों को आज दुनियावी चीज़ों के बारे में सुनने के बहुत इच्छा है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं उसको कम लोग सुनते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, लेकिन अपनी वैल्यू को इसके कंपैरिजन में घटा मत देना कि अरे सिर्फ 2 लोग आए, अरे सिर्फ 5 लोग आए, अरे सिर्फ 100 लोग आए सुनने के लिए। परमात्मा कहते हैं, अपनी वैल्यू को घटा मत देना इसमें, अपनी वैल्यू को समझो, आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसको समझो, आप बस परमात्मा का कार्य करते रहो और नम्रता से। बाबा कहते हैं, श्रेष्ठ महारथी हैं इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्माएं हो, लेकिन जी जितने महान हो उतने निर्माण भी बनो। महान आत्माएं दुनिया वालों की नज़र में शायद से ना भी हो, आपको परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उससे आप महान हो, आप अपने अंदर परिवर्तन ला रहे हो, जिससे कि आप परमात्मा के लिए सहयोगी बन रहे हो। आप परमात्मा के साथ में वो उंगली को देकर के, सहयोग की उंगली को देकर के उस पर्वत को, कलयुगी पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहे हो। तो आप महान आत्मा हो, परमात्मा के चुने हुए आत्मा हो। लेकिन परमात्मा कहते हैं, इसमें ये ना हो कि आपके अंदर अहंकार आ जाए। इसलिए परमात्मा कहते हैं, जितने महान उतने निर्माण भी बनो। निर्माण मतलब कोई मान नहीं मांगने वाले कि मुझको मान मिले। तो आप नम्रचित नहीं हो, निर्माण नहीं हो, मुझे शान मिले, मुझे लोग पहचाने, मेरे ज्ञान को वाह वाह करें, मेरे बोलने के तरीकों को वाह वाह करें। कितना अच्छा समझाते हैं, कितना अच्छा बोलते हैं,
ये सारी चीज़ें परमात्मा चाहते हैं ना हो। इसलिए इस चैनल पर हम कभी ये नहीं कहते हैं कि नीचे जाकर के आप लाइक करें या आप नीचे जाकर के सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब भी करते हैं तो अपने लिए करते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, लेकिन ये नहीं कि हम यहाँ पे सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, 400, 500, 1000, 2000 सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं यहाँ पर, तो इसलिए लाइक करो लाइक करो लाइक करो। नहीं, क्या लाइक क्या करना है, परमपिता परमात्मा का ज्ञान है, उसको लाइक करना भी एक प्रकार से उनकी वैल्यू को घटा देना हो गया है। लाइक तो दिल से किया जाता है, मन से किया जाता है, अपने मन में उस चीज़ को पसंद करें, लाइक करें, बाहर देना दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परमात्मा को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ का। और हम आत्मा को भी परमात्मा ने यही सिखाया गया कि आपको निर्माण, कोई मान नहीं चाहिए, कोई शान नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो मांगने से मरना भला, परमात्मा कहते हैं। तो आप अगर आपको पसंद आए तो और के साथ शेयर करें इस वीडियो को, और अगर आपको अच्छा लगता है ये ज्ञान सुनने में तो आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर, अगर अभी तक नहीं गए हैं, क्यों नहीं गए हैं, आप ज़रूर जाएँ वहाँ पर, इस ज्ञान को लें और एक नई जर्नी को शुरू करें। आपका दिन शुभ हो, आप खुशी रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। ओम शांति।